नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस यात्रा चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद दिलचस्प और चर्चित तुलना, फ्रांस का इंडियन राफेल बनाम रूस का SU-57। दोनों ही लड़ाकू विमान अपनी अपनी कैटेगरी में धाक जमाए हुए हैं। एक ओर है भारत का गर्व राफेल और दूसरी तरफ है रूस का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट SU-57। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन सा विमान किस पर भारी पड़ता है। दोनों विमानों की पहचान। दोस्तों, राफेल को दसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। इसे एक 4.4 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट कहा जाता है, यानी यह एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, न्यूक्लियर स्ट्राइक और रिकॉनसेंस सब कुछ कर सकता है। वहीं SU-57 रूस का पहला फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे स्कोल ने डिजाइन किया है। इसका मकसद अमेरिका के F-22 राप्टर और F-35 लाइटनिंग जैसे विमानों को टक्कर देना है। डिजाइन और स्टील्थ। राफेल का डिजाइन कॉम्पैक्ट और एरोडायनामिक है। इसमें राडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए कुछ स्टील्थ फीचर दिए गए हैं, लेकिन यह पूरी तरह स्टील्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। दूसरी ओर SU-57 एक स्टील्थ डोमिनेटेड डिजाइन है। इसका सेफ इंजन एग्जॉस्ट और मटेरियल इसे रडार पर कम विजिबल बनाते हैं। अगर बात स्टील्थ एडवांटेज की करें तो यहां SU-57 बाजी मार लेता है। इंजन और स्पीड। राफेल में तो M88 इंजन लगे हैं, जो इसे लगभग मैक 1.8 यानी 2222 किलोमीटर पर हावर की स्पीड तक ले जाते हैं। वहीं SU-57 में AL-41F1 इंजन लगे हैं और फ्यूचर में इसे और एडवांस्ड SDA-30 इंजन मिलेंगे। इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 2 यानी लगभग 2450 किलोमीटर है, यानी SU-57 स्पीड में राफेल से आगे है। एवोनिक्स और रडार। राफेल का रडार RBE-2 AESA अपनी क्लास में बेहतरीन माना जाता है। यह मल्टी टारगेट ट्रैकिंग और हाई रेजोल्यूशन मैपिंग में शानदार है। SU-57 में N036 AESA रडार सिस्टम है, जो 360 डिग्री कवरेज देता है और साथ में इंफ्रारेड और इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सेंसर भी हैं। यहां SU-57 का टेक्नोलॉजी पैकेज ज्यादा एडवांस और फ्यूचर ओरिएंटेड है। हथियार प्रणाली। राफेल को ओमनी रोल फाइटर जेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मैटोर, स्कैल्प, हैमर और मिक्का जैसी एडवांस्ड हथियार ले जा सकता है। खासकर मैटोर मिसाइल इसे बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में जबरदस्त एडवांटेज देती है। SU-57 में K-77M, R-37M जैसी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलें और KH-59MK2 जैसी स्टील्थ क्रूज मिसाइलें लगती हैं। अगर लॉन्ग रेंज कॉम्बैट की बात करें तो दोनों लगभग बराबरी पे हैं, लेकिन SU-57 का पेलोड ज्यादा है। मैनुवरबिलिटी और डॉग फाइट। राफेल को इसकी एजिलिटी और डॉग फाइट क्षमता के लिए जाना जाता है। इसका डिजाइन डेल्टा बीम प्लस कैनार्ड कॉन्फिगरेशन और फ्लाई बाई वायर कंट्रोल इसी क्लोज कॉम्पैक्ट में घातक बनाते हैं। SU-57 की खासियत है सुपर मैनुवरबिलिटी। थ्रस्ट बैक्टीरिंग इंजन की वजह से ये हवा में ऐसी मूव कर सकता है जो राफेल के लिए मुश्किल है। तो डॉग फाइट में SU-57 की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन राफेल की कॉम्पैक्टनेस और कॉम्बैट टेस्टेड नेचर भी इसे खतरनाक बनाती हैं। ऑपरेशनल एक्सपीरियंस। राफेल पहले ही युद्ध में अपनी क्षमता दिखा चुका है। अफगानिस्तान, लीबिया, इराक और सीरिया में इसका इस्तेमाल हुआ है, यानी यह बैटल प्रोवन फाइटर है। इसके मुकाबले SU-57 अभी तक लिमिटेड कॉम्पैक्ट यूज में आया है। रूस ने इसे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में डिप्लॉय किया है, लेकिन लार्ज स्केल पर प्रोवन कॉम्पैक्ट एक्सपीरियंस राफेल जैसा नहीं है, तो इस मामले में राफेल ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। भारत की नजरिए से, भारत ने 36 राफेल जेट्स खरीदे हैं और यह हमारी एयरफोर्स की लीड बन चुके हैं और साथ ही 114 राफेल फाइटर जेट की डील फाइनल होने के करीब है। मैटोर मिसाइल्स और EW सूट ने पाकिस्तान और चीन दोनों को बैकफुट पर डाल दिया है। वहीं SU-57 को लेकर भारत का अनुभव मिक्सड रहा है। पहले FGFA प्रोजेक्ट में भारत रूस साझेदारी हुई थी, लेकिन बाद में भारत ने इसे छोड़ दिया क्योंकि SU-57 के स्टील्थ और इंजन को लेकर कुछ कमियां सामने आई थी। कौन है बेहतर? अब सवाल यह है कि राफेल और SU-57 में कौन है बेहतर।
अगर आप देखें स्टील्थ स्पीड और मैनुवरबिलिटी में HU-57 आगे है, लेकिन अगर बात करें बैटल प्रूवन रिलायबिलिटी, कटिंग एज वेपन्स और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस की तो राफेल ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। भारत के लिए फिलहाल राफेल ही ज्यादा कारगर है। SU-57 अभी भी इवैल्यूएशन के दौर में है और फ्यूचर में इसका असली पोटेंशियल सामने आएगा। दोस्तों, राफेल और SU-57 दोनों ही एविएशन इंजीनियरिंग की मिसाल हैं, लेकिन आखिरकार जंग जीतती है पायलट की ट्रेनिंग, जज्बा और रणनीति। भारत के वीर पायलट इन मशीनों को सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं बल्कि दुश्मन के लिए आसमान से गिरती बिजली बना देते हैं। तो आप बताइए, आपको कौन सा फाइटर जेट ज्यादा दमदार लगता है, राफेल या SU-57? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल डिफेंस यात्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।